हेलो बच्चों, वेलकम टू द साइंस क्लास। बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर हाजिर है साइंस क्लास में। क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट में हम लोग विद्युत चैप्टर कर रहे थे, है ना? कुछ कुछ याद होगा आप लोगों को। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को विद्युत आवेश समझाया था। तो आज हम लोग विद्युत आवेश मैंने समझाया था कि दो प्रकार के होते हैं, ऋण आवेश और धन आवेश, है ना? विद्युत आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और आकर्षण, ये भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब दोनों चार्ज पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, रहे तो प्रतिकर्षण होता है, और जब किसी वस्तु में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज रहेगा तो आकर्षण होगा, है ना? मैंने उस दिन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाया था और हम लोग देखे थे, उसको समझे थे, है ना? तो आज हम लोग देखेंगे विद्युत धारा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे विद्युत धारा के विषय में। ठीक है, विद्युत धारा। विद्युत धारा की परिभाषा जानने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि विद्युत धारा जो होती है, हम लोग की बोलचाल की भाषा में पहले हम लोग इसको समझेंगे, है ना? किताबी भाषा को जानने से अच्छा है कि उस चीज को हम लोग डे टू डे लाइफ से रिलेट करें तो वो समझने में ज्यादा आसानी होता है, है कि नहीं? कोई किसी चीज का उदाहरण लेके किसी चीज को समझेंगे तो वो ज्यादा आसानी से समझ में आता है। बुक की जो परिभाषा है वो रटने जैसा से अच्छा है कि आप लोग समझ के उसको पढ़ें, ठीक है ना? तो जैसे विद्युत धारा है ना, मैंने आपको इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको समझाया था। मान लीजिए बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर पहले विद्युत धारा के विषय में जानेंगे। विद्युत धारा को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं, ठीक है? तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, विद्युत धारा की परिभाषा, किसी चालक में से विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है? क्या कह रहा है आपसे? किसी चालक में से विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे बनाया है। एक ये बंद परिपथ है, ठीक है? हम लोग सबसे पहले वाले वीडियो में देखे थे विद्युत परिपथ। तो ये क्या है? ये एक विद्युत परिपथ है, ये एक बंद परिपथ है। इसमें यहाँ बल्ब है, ठीक है? ये कुंजी या स्विच इसको कह सकते हैं। यहाँ सेल लगा हुआ है बैटरी, ठीक है? ये पूरी तरह से बंद परिपथ है। कहने का अर्थ है एक ये वायर है, ठीक है? जब किसी चालक में से विद्युत आवेश चलना स्टार्ट हो जाता है, आवेश जब चलना स्टार्ट कर देता है तो क्या होता है? वो विद्युत धारा कहलाता है। आवेश मीन्स चार्ज, ठीक है? यहाँ कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज रहता है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि चालक में से आवेश का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है, आवेश चलना, देखिए एरो जैसे दिख रहा है, ये लाइट ऑन हो गया, ठीक है? हम लोग घरों में देखते हैं स्विच ऑफ की स्थिति में होता है, बल्ब नहीं जलता है। जैसे हम उसको ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है, ठीक है? तो ये आपको समझना है क्योंकि ये एग्जाम में भी आपको आता है कि एक विद्युत परिपथ का आरेख खींचिए, ठीक है? तो आप लोगों को ये डायग्राम में प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में क्वेश्चन में तो आपको ये बनाना होगा, ठीक है? एक बंद परिपथ मतलब विद्युत परिपथ का आरेख खींचने को लेगा, तो इस तरह से आपको
पहले हम लोग देखे ना जो पढ़े विद्युत चैप्टर में हम लोग जो आपको नेक्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया है जिसके जिसकी मात्रा मैंने आवेश का बताया है तो वो आपको लिखते जाना है ठीक है। तो विद्युत धारा का मात्रा है एम्पियर जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। यहाँ एक बॉक्स में मैंने समझाया है, बहुत से बच्चे इसका अर्थ नहीं समझते कि मैम ये यू टाइप लग रहा है इसे क्या उच्चारण करते हैं। तो बच्चों मैं आपको ये समझा देती हूँ। वन एम ए, एम ए इज मीनिंग एम्पियर ठीक है। ए जो है एम्पियर डिनोट किया जाता है इसीलिए शॉर्ट में ए यहाँ लिख गए हैं। वन मिली एम्पियर इज इक्वल टू वन मिली एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10^-3 एम्पियर ठीक है। तो आपको ये आपका होमवर्क है विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक अपनी कॉपी में बनाएंगे ठीक है बच्चों। आप लोग ये काम करेंगे ना ठीक है। आज के लिए थैंक यू। दूसरे दिन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ठीक है।